नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नगर निगम की जगहों पर अब वृक्षारोपण किया जाएगा और अवैध कॉलोनी पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट 2 करोड़ पेड़ लगाने का था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। खाली पड़ी नगर निगम की सरकारी जगहों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में मंत्रालय में 16 नगर निगम के महापौरों की बैठक की गई। बैठक में नगर निगम को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगर सरकार व्यक्ति के रोज की दिनचर्या से जुड़ी होती है, जिससे सुबह सड़क पानी से लेकर शाम को सोते समय मच्छर मारने तक की व्यवस्था नगर सरकार करती है। उन्होंने कहा कि नगर निगम नगर पालिका प्रजातंत्र की सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। उन्होंने ये भी कहा कि आज नगर निगम के महापौर से छोटी छोटी समस्याओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने अवैध कॉलोनी पर सख्ती करने के निर्देश भी दिए। देखिए, हमारे यहाँ जो 3 लेयर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट होती है सिटी गवर्नमेंट, जो कि हर व्यक्ति से उनकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई होती है। सुबह पानी चाहिए, सड़क चाहिए, रात को सोने जाओ मच्छर काटें तो अपन उसको गाली दें। इसलिए नगर निगम नगर पालिका ये हमारी प्रजातंत्र की सबसे पहली लेयर है और सबसे महत्वपूर्ण लेयर है, और इसलिए वहाँ पर अच्छा काम हो, इसके लिए आज हमारी सभी माननीय 16 हमारी नगर निगम है, उसके माननीय महापौर जी से बात हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।